हम लोग अभी शॉर्ट सम्स ऑफ डिसोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं, तो विल बी डूइंग दैट। सबसे पहले लिखा हुआ है कि गुडविल बुक वैल्यू डिस्क्लोज की हुई है, पर उसमें कुछ भी मिला नहीं है, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। अब मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ये हमें बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए टी शेप ड्रॉ किया है। तो रियलाइजेशन में गुडविल किधर शो करते हैं? डेबिट साइड। आपको पता है सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड ट्रांसफर किए जाते हैं, तो आप लिखते टू गुडविल 56,000। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाइए, तो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो पहली एंट्री वो लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब अगर एसेट रियलाइज होता है तो वो अपोजिट साइड आता है रियलाइजेशन में, पर यहां लिखा हुआ है कि नो अमाउंट इज रियलाइज्ड, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो आपको लिखना है नो एंट्री, दैट्स इट। क्योंकि रूल है, अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो अगर ये आता है कि गुडविल शो की हुई है पर कुछ रियलाइज नहीं हुआ है, तो ये दो एंट्रीज लिखनी है, और हाफ हाफ मार्क ईच, तो 1 मार्क की एंट्री है। ऐसे तीन एंट्रीज आ सकती हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट में लैंड होल्डिंग 8 लाख का है और इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख का है। तो सबसे पहले तो याद करिए, आप रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड लिखते हैं एसेट्स? डेबिट साइड लिखते हैं, टू लैंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट्स। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाइए, तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, तो पहले तो शो करने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग 8 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, और 8 लाख और 2 लाख का टोटल 10 लाख। तो ये आपने शो कर दिया। अब आप ये बेचोगे तो 9 लाख रुपीज लैंड बिल्डिंग का मिला, 150 आपको मिला इन्वेस्टमेंट्स का। तो एसेट शो किए हुए डेबिट साइड, जब बिकेंगे तो क्रेडिट साइड आते हैं, और आप लिखते हो बाय बैंक। क्या लिखते हो आप? बाय बैंक। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाओ तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,50,000, राइट? तो एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री उसके हाफ मार्क, और रियलाइज करने की एंट्री के हाफ मार्क, ये 1 मार्क की एंट्री है। अब ये इटसेल्फ एंट्री 2 मार्क्स की है, और ये इम्पोर्टेंट एंट्री है। इसके लिए हमारे को थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। हमारे टोटल एसेट्स 2 लाख के हैं, जिसमें 40% करंट एसेट्स हैं, जिसमें कैश इंक्लूडेड है। तो ये कभी कभी तो ये 3 मार्क्स में एक ही एंट्री आ जाती है, तो ये वर्किंग के ही 1 मार्क है। 2 लाख के एसेट्स हैं, उसके 2 पार्ट्स करिए। पता है ना, एसेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। अब 40% हमारे करंट एसेट्स हैं, तो 80,000 हो गए करंट एसेट्स, 2 लाख का 40%। तो नॉन करंट एसेट्स कितने के हो गए? बैलेंस 120। ओके, अब करंट एसेट्स में भी 2 पार्ट्स हैं, कैश एंड अदर करंट एसेट्स, जिसमें कैश जो है वो 10,000 है। तो 80,000 में से कैश 10,000 है, तो अदर करंट एसेट्स कितने होंगे? 70,000। अब याद करो रियलाइजेशन अकाउंट, कभी भी कैश जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं नॉन करंट एसेट्स जो 120 के हैं, और अदर करंट एसेट्स जो 70 के हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट एसेट्स टू अदर करंट एसेट्स। तो पहली जर्नल एंट्री वो हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट एसेट्स टू अदर करंट एसेट्स 1,20,000, और अदर करंट एसेट्स कैश नहीं, हाँ ध्यान रखना कैश नहीं, तो 1,90,000। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं बुक वैल्यू रियलाइज्ड। अब जब भी एसेट्स दिखाए हुए हैं डेबिट साइड, जब रियलाइज होंगे तो वो आते हैं क्रेडिट साइड। आप लिखते हो बाय बैंक, राइट? बाय बैंक लिखते हो। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बुक वैल्यू रियलाइज हुई है, तो व्हाट इज द बुक वैल्यू? 1,90,000, राइट? बुक वैल्यू रियलाइज हुई है 1,90,000, राइट? तो 1,90,000 लिख लिया। अब ये इटसेल्फ 1 एंट्री 3 मार्क्स की है, इंक्लूडिंग दिस वर्किंग। ये नहीं दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए। इतनी वर्किंग और ये जर्नल एंट्री
इटसेल्फ 3 मार्क्स का है, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, गुडविल डिस्क्लोज नहीं की हुई है। अब भाई गुडविल डिस्क्लोज नहीं की हुई है तो डिस्क्लोज करने की एंट्री नहीं हो सकती ना, राइट। तो मेहरबानी करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल मत करना, क्योंकि डिस्क्लोज की हुई नहीं है, गुडविल डिस्क्लोज नहीं की हुई है, राइट। तो हम अब सिर्फ रियलाइज करने की एंट्री करेंगे। अब ये हमारी इनकम है, हमने सोचा नहीं था फिर भी हमें रिसीव हो गया 50,000। डिस्क्लोज करने की कोई एंट्री नहीं, इनकम, इनकम्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। तो हम लिखेंगे बाय बैंक 50,000। अब इसकी जनरल एंट्री बनाओगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेहरबानी करके बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल मत लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है कि गुडविल नॉट डिस्क्लोज है पर 50,000 रुपये मिलेगी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000 एंड वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000। अब लैपटॉप को डिस्क्लोज करने की एंट्री, पहले लैपटॉप डिस्क्लोज होगा तो एसेट्स ट्रांसफर होते हैं रिलेशन के डेबिट साइड। तो अब रिलेशन के डेबिट साइड लिखोगे टू लैपटॉप। अब इसकी जनरल एंट्री बनाओ, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, राइट। ये हो गई डिस्क्लोज करने की एंट्री। अब एक पार्टनर लेकर जा रहा है 25,000 में, अब डिस्क्लोज्ड है डेबिट साइड, जब लेके जाएगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड, तो उसकी एंट्री होगी रिलेशन के क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल 25,000 में लेके जा रहा है। अब इसकी जनरल एंट्री बनाओ तो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और 25,000 लिखोगे। इज दैट क्लियर, राइट। तो ये 1 मार्क की एंट्री है जिसमें हाफ मार्क शो करने की और हाफ मार्क को रियलाइज करने की एंट्री। नेक्स्ट, एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है श्रीमती का लोन पे करना, अभी एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होती है, लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होती है। तो पहले ट्रांसफर एंट्री, तो श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000, आपने लोन को ट्रांसफर किया। अब कौन पे कर रहा है, एक पार्टनर पे कर रहा है, राइट। अब जब लायबिलिटी अपन ने शो किया तो क्रेडिट साइड, अब जब पे होगा तो डेबिट साइड। अब कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो रिलेशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अब जनरल एंट्री बनाओ क्या होगी, पेमेंट की रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, 40,000 पे हो गया, राइट। तो हमेशा याद रहे ये 1 मार्क की एंट्री है जिसमें हाफ ऑफ मार्क फॉर बोथ, हाफ मार्क फॉर शोइंग इट एंड हाफ मार्क फॉर पेइंग इट, ओके। सिर्फ एक एंट्री पे करने की करोगे तो हाफ मार्क कट जाएगी, यू टू शो टू एंट्रीज। नेक्स्ट, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेबल 30,000 व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं है तो रिकॉर्डिंग की कोई एंट्री नहीं होगी, रिकॉर्डिंग की कोई एंट्री नहीं होगी। लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब छोड़ दो, ओके, बट नाउ यू हैव टू पे, यू हैव टू पे मींस इज अ लॉस। और रिलेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक, राइट। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक विल बी द एंट्री। मेहरबानी करके रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स लायबिलिटी या फलाना डेटा कुछ भी मत लिखना, पैसा गया बैंक क्रेडिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट क्लियर, तो ये भी एक अच्छी एंट्री है, ये 1 मार्क की है। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म सरप्लस ऑफ 1,20,000। अब 1,20,000 का सरप्लस बचा है जो ए बी और सी शेयर करेंगे 5:3:2 में। अब रिलेशन अकाउंट का सरप्लस कहाँ आता है पता है, डेबिट साइड, ओके। तो टू ए कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल लिखेंगे, और 1,20,000 को 5/10 तो 60,000, 1,20,000 इंटू 3/10 36,000, 1,20,000 इंटू 2/10 24,000। अब इसका जनरल एंट्री बनाओ तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड ये 2 लिखना है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 1,20,000 को आपने इस रेशियो में डाल दिया, राइट। तो ये 1 मार्क की एंट्री है। नेक्स्ट, मशीनरी इज डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 2 लाख। अब डिस्क्लोज्ड है तो आपको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, एसेट्स ट्रांसफर होते हैं डेबिट साइड, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, करेक्ट। अब इसको रियलाइज कर रहे हैं बुक वैल्यू पे, तो डिस्क्लोज किया डेबिट साइड,
जब रियलाइज होगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड, लिखोगे बाय बैंक क्योंकि बुक वैल्यू रियलाइज हुई है, राइट? बुक वैल्यू रियलाइज हुई है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2 लाख, करेक्ट? 1 मार्क की एंट्री जिसमें हाफ मार्क डिस्क्लोज करने की, हाफ मार्क एंट्री की। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर इन द रिटर्न ऑफ इट डिसाइडेड टू पे अ रेम्युनरेशन ऑफ 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, फर्म हैज पेड 12,000। हमने एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई तू डिसोल्यूशन पूरा देख लेना, 20,000 रुपये तेरी रेम्युनरेशन तय हो गई। तो पहले उसकी एंट्री। अब रेम्युनरेशन देना पार्टनर को हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस रिलेशन के कौन से साइड आते हैं, डेबिट साइड, बिल्कुल सही। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हमने 20,000 में उसको रेम्युनरेशन फिक्स किया, तो हमने जनरल एंट्री लिख दी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000। अब ऑन अकाउंट पेमेंट की अपन ने, याद रहे, उसको खर्चा करने के लिए अपने 12,000 रुपये कैश दिया है। अब इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 ऑन अकाउंट पेमेंट किए, रिलेशन में नहीं आएगा, इट्स एन ऑन अकाउंट पेमेंट, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000, जो रेम्युनरेशन पार्ट फिक्स हुआ उसकी एंट्री, और ये अपन ने ऑन अकाउंट पेमेंट किए 12,000, करेक्ट? तो कैश गोज आउट एंड पार्टनर इज द रिसीवर, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से कर लेना। अब ये खुद एंट्री अगर आ गई तो 3 मार्क में आएगी। डेटर 120 के हैं, क्रेडिटर 60 के हैं, तो पहले तो डेटर और क्रेडिटर को डिस्क्लोज करना है। तो डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, डिस्क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड आएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,20,000 डिस्क्लोज किया। अब क्रेडिटर्स को डिस्क्लोज करो तो क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आते हैं, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डिस्क्लोज किया, राइट? तो डिस्क्लोज करने की ये एंट्री हो गई। अब वन पार्टनर हैज टेकन डेटर एट 20%, करेक्ट, लेस देन द बुक वैल्यू। अब 1,20,000 का 20% होता है 24,000 लेस, तो 96,000 में वो लेकर जा रहा है। अब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 96,000, डेटर्स टेकन बाय पार्टनर। अब वही पार्टनर क्रेडिटर को पे करेगा एंड कंजक्शन एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर, यही पार्टनर जो डेटर लेके जाता है वो क्रेडिटर को पे करेगा। कितना पे करेगा कुछ मेंशन नहीं है, तो बुक वैल्यू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000। तो ये 4 एंट्रीज इटसेल्फ 3 मार्क में आ सकती हैं, ओके? नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन आरबीआई इज 3:2:1, अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, ये भी आपने चैप्टर नंबर रिकंस्ट्रक्शन वाले में सीखा है, आपने चैप्टर 4 में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, करेक्ट? फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी रिजर्व है, तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000, राइट? टू आर्स कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू आईस कैपिटल, कौन से रेशियो में, 3:2:1, तो 36,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में, सो दैट विल गिव यू 18,000, 12,000 एंड 6,000, करेक्ट? तो जनरल रिजर्व और वर्कर कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। अब याद करो वही चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को किया जाता है क्रेडिट, 12,000 करेंगे क्रेडिट, और आर्स अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट एंड आईज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3:2:1 में, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000, करेक्ट? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंट्री। अब इसमें 3 एंट्रीज आएंगी 3 मार्क में। गोइंग टू द नेक्स्ट सम, अब मशीनरी का बुक वैल्यू है 50,000, तो सबसे पहले मशीनरी एसेट है, रिलेशन अकाउंट के कौन से साइड शो करेंगे बताइए, डेबिट साइड, बिल्कुल सही। अब शो करने की एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 50,000,
करेक्ट। अब शो कर दिया, अब ये मशीनरी पार्टनर लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, 55,000 में। अब एंट्री होगी बाय दर्शन कैपिटल इन रिलेशन अकाउंट, मतलब दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। तो दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 55,000, करेक्ट। तो हाफ मार्क फॉर दिस एंड हाफ मार्क फॉर दिस, यू टू शो बोथ द एंट्रीज। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, रिलेशन अकाउंट के कौन से साइड आती है, क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही। बाय बिल्स पेबल तो पहले शो करिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000। अब कौन पे कर रहा है, बिमल पे कर रहा है। शो करने की एंट्री क्रेडिट साइड हो गई, तो पेमेंट की एंट्री कौन सी साइड आएगी, ऑपोजिट साइड, डेबिट साइड, करेक्ट। तो पेमेंट की एंट्री हो गई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल, करेक्ट, 15,000, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री, मतलब इसमें वन लाइन में तीन एंट्रीज आएंगी, कोई भी तीन एंट्रीज आ सकती हैं। पास्ट बैड डेट्स रिटन ऑफ 11,000, कोई हमारे पैसे खा गया था 11,000 रुपए, जिसमें से 6,000 रुपए की रिकवरी हुई है। तो वी आर कंसर्न विद व्हाट इज रिकवर्ड, वी आर नॉट कंसर्न विद कितने पैसे डूब गए थे। अब हमारी इनकम है, बैड डेट्स रिकवरी इज इनकम, और इनकम रिलेशन की कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड, बिकॉज रियलाइजेशन इज द नॉमिनल अकाउंट। तो बाय बैंक आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। मेहरबानी करके बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड मत लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स 2,70,000 है, और एसेट्स रियलाइज हुए 2,27,000 के। अब एसेट्स को शो कहाँ करेंगे बताइए, कहाँ करेंगे, डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स। अब जनरल एंट्री क्या होगी शो करने की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, तो पहले वो लिखो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स 2,70,000। अब आप रियलाइज करोगे, तो रियलाइज कितना हुआ, 227, रियलाइज की एंट्री आती है बाय साइड, करेक्ट। तो बाय बैंक 227, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,27,000, करेक्ट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, 25% डिस्काउंट दिया उन्होंने। तो पहले क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, शो करना है, शो करना है, तो रिलेशन की क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000। तो ये अपन ने क्रेडिटर्स शो किए। अब हमें पे करना है, तो पे करने की एंट्री आती है ऑपोजिट साइड, शो करने के ऑपोजिट साइड। तो हम पे करेंगे तो टू बैंक 25% डिस्काउंट, तो 60,000 का 25% होता है 15,000 रुपए, डिस्काउंट पे किया 45,000। एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000, करेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड। अब अनरिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डिंग की तो कोई एंट्री नहीं होगी, अब टैक्स है यानी खर्चा है, रिलेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड आना चाहिए टू बैंक, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपीज, अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड, ओके। फिर आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड 5,000, रिलेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक 5,000, करेक्ट। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं। नेक्स्ट, ये रिपीट हो रही है, गुडविल नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स, नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स, तो मेहरबानी करके डिस्क्लोज की एंट्री मत करना। सिर्फ पैसे रियलाइज हुए हैं 20,000 रुपीज, तो ये हमारे लिए इनकम जनरेट हो गई। इनकम रिलेशन के कौन से साइड आती है, क्रेडिट साइड, बाय बैंक 20,000। अब जनरल एंट्री बनाओ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, करेक्ट। अब ये हो गई सारी एंट्रीज। अब एक एंट्री मुझे लगती है पर्सनली, जो मार्च 2016 में आई है, वो इस बार रिपीट हो सकती है, राइट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पर ये बेस्ड है। 40,000 हमें एक मिस्टर एक्स को पे करने थे, जो रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और उसको पे करने के लिए हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है 30,000 का। तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है,
करेक्ट, और अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये बोर्ड में आ चुका है, राइट? आप देख सकते हैं मार्च 2016, वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से। अब हमें, हमने क्या किया, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो 40,000 की थी उसमें से हमने 30,000 का एसेट दे दिया और बाकी कैश में पे किया। अब पास चलना एंट्री फॉर पेमेंट ओनली। अब देखो, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट्स अपन हैंड ओवर करते हैं तो वैसी एंट्री नहीं होती है, करेक्ट? तो अब पेमेंट कितना करना पड़ा, 40,000 के सामने पेमेंट कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 10,000। क्यों? क्योंकि 40 के सामने 30,000 का तो अपन ने एसेट दे दिया, तो रोकड़ा कितना देंगे, 10,000। तो ये हमारे लिए लॉस है, नेट लॉस। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक जो अपन ने पे किया। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री आ सकती है इस बार, प्लीज करके जाना। दूसरा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। अब जैसे कि पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लॉसेस मेड फ्रॉम रिलेशन, तो ये फॉल्स है। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे होते हैं। अब ये वन लाइनर में भी कन्वर्ट हो सकता है कि सबसे पहले क्या पे होगा, रिजोल्यूशन एक्सपेंस, करेक्ट? एमसीक्यू में भी आ सकता है कि सबसे पहले क्या पे होता है, रिजोल्यूशन एक्सपेंस। फिर सेकंड, द प्रॉब्लम्स बिटवीन पार्टनर्स आर सॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट थ्रू पार्टनरशिप एक्ट 1932। थर्ड, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड कंटीजेंट लायबिलिटी इज डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, एंड इट इज पेड। अब ये फॉल्स है। अनरिकॉर्डेड कंटीजेंट लायबिलिटी इफ मटीरियलाइज देन ओनली इट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अन कंटीजेंट लायबिलिटी को अगर पेमेंट करना पड़ा तो ही वो डेबिट होगी रियलाइजेशन में एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं, वो इस बार आ सकते हैं, करेक्ट? प्लीज करके जाना, ठीक है? ये एक और मैं डिस्कस करता हूं। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रू या फॉल्स? तो भाई फॉल्स है ना, गुडविल कहां ट्रांसफर होती है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। देखो, एडमिशन रिटायरमेंट में ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, पर डिसोल्यूशन के टाइम पे ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है जो हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा हो तो आपने, आप रॉन्ग कर सकते हैं। इफ ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और बिजनेस बिकम्स इलीगल देन द फर्म गेट्स डिसॉल्व, ट्रू। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बिजनेस इलीगल हो गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इन पार्टनरशिप फर्म इफ वन पार्टनर गेट्स रिटायर्ड द फर्म गेट्स डिसॉल्व, फॉल्स। इन पार्टनरशिप फर्म इफ वन पार्टनर रिमेन्स एंड रेस्ट ऑल रिटायर देन द फर्म गेट्स डिसॉल्व। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डिसॉल्व्स नॉट द फर्म। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, करेक्ट? है ना, तो याद रहे ये चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, एक थ्योरी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट? अब अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये ऐसा अकाउंट है जो हम लोग एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए और लायबिलिटीज को पे करने के लिए ओपन करते हैं। एसेट्स अदर देन कैश, याद रखना, एसेट्स अदर देन कैश आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यूज, एट देयर बुक वैल्यूज। फॉलोइंग एंट्री इज पास्ट रिलेशन अकाउंट डेबिट, फिर आप ये इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं, टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीन, टू गुडविल, टू डेटर, और डेटर बीडीआर से पहले वाला लिया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, जैसे बीडीआर, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, करेक्ट? बीडीआर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो ये सारे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आते हैं, तो उनकी जनरल एंट्री लिखोगे। फिर व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, कैश या बैंक इज डेबिटेड एंड रिलेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिमिलरली व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश बैंक इज क्रेडिटेड, राइट? आफ्टर द एसेट्स आर रियलाइज्ड, आफ्टर द एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, डिफरेंस इज ईदर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
दिस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अकम्पलिशमेंट अकाउंट. ये 2023 में आ चुका है कि रियलाइजेशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का दूसरा नाम अकम्पलिशमेंट अकाउंट है. तो ये शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट है, तो प्लीज इसको पढ़ के जाना, ये 3 मार्क्स में आ सकता है. एक और थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेट डिसोल्यूशन प्रोसीजर. स्टेट डिसोल्यूशन प्रोसीजर, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व ऑल द एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड इन ऑर्डर मेंशनड बिलो. फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या पे होगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस. नेक्स्ट लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज इज पेड, यानी आउटसाइड लायबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. नेक्स्ट लोन ऑफ पार्टनर्स इज पेड, पार्टनर्स लोन इज अ सेकेंड लायबिलिटी, सेकेंड पार्टी लायबिलिटी. फाइनली कैपिटल एंड बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर रिडीम्ड, मतलब कैपिटल को पे करेंगे और करंट अकाउंट को पे करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है. सरप्लस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. तो प्लीज ये 2 थ्योरी आंसर्स कर लेना, इनमें से एक आ सकता है. गुड लक.